तो मैं साइंस के अंतर्गत आज हम लोग लेसन नंबर किसको पढ़ने वाले हैं एट। एक टॉपिक आपका रहेगा जो आप पढ़ चुके हैं, लेकिन उसमें अंतर आपको बताना है कि दूरी और विस्थापन में अंतर। चलो लिख लो, दूरी और विस्थापन में अंतर। लिख सकते हैं डिफरेंस बिटवीन डिस्प्लेसमेंट एंड डिस्टेंस, एंड डिस्टेंस, डिफरेंस बिटवीन डिस्प्लेसमेंट एंड डिस्टेंस। बात समझ रहे हैं? जी सर। माने दूरी और विस्थापन में अंतर आपको बताना है। तो क्या करेंगे भाई? वही करेंगे जो करना चाहिए। इधर दो खाना बना लीजिए, एक तरफ लिख लीजिए दूरी, एक तरफ लिख लीजिए विस्थापन। ठीक है, एक तरफ दूरी और एक तरफ विस्थापन। और सुनो, क्या क्या बता सकते हैं आप इसमें? पहले दूरी में तो ये बताएंगे कि किसी वस्तु द्वारा चली गई पथ की लंबाई को हम लोग क्या कहते हैं? दूरी कहते हैं। अब विस्थापन, चली गई न्यूनतम दूरी को हम लोग क्या कहते हैं? विस्थापन। दूरी कौन राशि होती है? अदिश राशि लिखाया गया था। दूरी कौन राशि? अब विस्थापन, दूरी का मान शून्य नहीं हो सकता है, लेकिन विस्थापन का मान शून्य हो सकता है। हाँ तो लिख लो, पहला लिखो हमें, लिख लो किसी वस्तु द्वारा एकांक समय में, एकांक समय में तय की गई पथ की लंबाई को, पथ की लंबाई को दूरी कहते हैं। दूरी कहते हैं, इसमें पहला लिख लेना किसी वस्तु द्वारा एकांक समय में, एकांक समय में तय की गई न्यूनतम दूरी को विस्थापन कहते हैं, विस्थापन कहते हैं। दूसरा लिखना है दूरी एक अदिश राशि है, और इसमें दूसरा लिखना विस्थापन एक सदिश राशि है। तो ध्यान रखो, कुछ पढ़ाया जा रहा है, तुम लोग किताब निकालो अपना, शुरू कर देते हम लोग। दूरी क्या होता है भाई? दूरी शून्य नहीं हो सकता है, दूरी शून्य नहीं हो सकता है। इसमें लिख लेना कि विस्थापन शून्य हो सकता है, विस्थापन शून्य हो सकता है। तो दूरी शून्य नहीं हो सकता है, विस्थापन शून्य हो सकता है। ये सब आपके अंतर हैं दूरी और विस्थापन में। आपसे कोई पूछे तो इसके बारे में आप क्या कर सकते हैं कि दूरी और विस्थापन में क्या अंतर होता है? तो दूरी और विस्थापन में अंतर के बारे में आप बता रहे हैं, देख भी रहे हैं कि क्या क्या इसमें अंतर होती है। हो गया, दूरी शून्य नहीं हो सकता है, विस्थापन शून्य हो सकता है। और आपने कहा भी था कि जहाँ से हम चलते हैं वहीं पर अगर आ जाते हैं तो विस्थापन क्या हो जाता है? शून्य हो जाता है। हालांकि दूरी एक अदिश राशि होती है, विस्थापन एक सदिश राशि होती है। दूरी शून्य नहीं हो सकती है, विस्थापन शून्य हो सकता है। ठीक है,
अतन इसमें एक चीज देख लेना, ऊपर वाला लिख लिया ना, तो दूरी और विस्थापन में समानता, दूरी और विस्थापन में समानता, ये तो अंतर था। सर इसमें क्या नहीं अब अलग है, दिखा दिखा गया ये पूरा समानता में लिख लेना कि दूरी और विस्थापन दोनों का मात्रक मीटर होता है, दूरी और विस्थापन दोनों का मात्रक मीटर होता है। इस समानता है, मतलब दोनों में कौन सी चीज है जो दोनों में मिलता है, तो दोनों में मात्रक है, दूरी का भी मात्रक का होता है मीटर होता है, और विस्थापन का भी मात्रक का होता है मीटर होता है, तो दोनों में समानता है कि दोनों का मात्रक का होता है मीटर होता है, दूरी का भी मीटर विस्थापन का भी मात्रक, तो दूरी और विस्थापन में अंतर भी हम लोग देख लिए। हाँ इसमें क्या समानता पाई जाती है इसको भी हम लोग क्या कर लिए देख लिए। कोई आपसे पूछेगा तो बता देंगे सब लोग। यस सर। ओके लिख लो।